So congratulations to all of my students who have qualified for the interview. Now it is time to get some basic tips. Basic but important gesture that will help you to improve your score during the interview. So आज हम पांच ऐसे important steps को समझेंगे ताकि उससे आपकी जो scoring है for the interview improve हो जाए. तो एक एक करके हम समझते हैं. First step है हमारा clothing. So what should you wear during the interview? आपको अपने interview वाले दिन कैसे कपड़े पहनने चाहिए? तो जो कुछ बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अपने इंटरव्यू वाले दिन प्लेन शर्ट पहनते हैं. बहुत ही अच्छी बात है प्लेन शर्ट पहनना, लेकिन प्लेन शर्ट के नीचे वो पहनते हैं जीन्स की पैंट, जीन्स की पैंट के नीचे स्पोर्ट शूज. तो ये सही तरीका नहीं है, सही ड्रेसिंग स्टाइल नहीं है फॉर द इंटरव्यू. सो मैं बॉयज़ को रिकमेंड करूँगा कि बॉयज़ अपने इंटरव्यू वाले दिन कोट एंड पैंट पहने, डार्क कलर का कोट, डार्क कलर की पैंट, या मैं कहूँ कि ब्लैक कलर का कोट एंड पैंट, नीचे व्हाइट कलर की या लाइट कलर की शर्ट हो और एक टाई हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा. फिर अब शूज़ की बात करते हैं. तो शूज़ में आपको फॉर्मल शूज़ पहनने हैं, स्पोर्ट शूज़ नहीं पहनने. फॉर्मल शूज़ में भी जो चमकीले नहीं होते वो वाले शूज़. अब बात करते हैं गर्ल्स की कि गर्ल्स को कैसा ड्रेसिंग स्टाइल रखना चाहिए ड्यूरिंग द इंटरव्यू. तो गर्ल्स के लिए दो चॉइसेस हैं. गर्ल्स या तो साड़ी पहन सकती हैं या फिर वो भी बॉयज़ की तरह कोट एंड पैंट पहन सकती हैं. तो गर्ल्स के लिए अगर वो साड़ी प्रेफर करती हैं तो साड़ी में उनको कैसे कपड़े पहनने हैं. साड़ी में प्लेन साड़ी हो, जो डिज़ाइनदार जो शादी पार्टी वेयर होती है वो नहीं होनी चाहिए. प्लेन साड़ी और लाइट कलर की अगर साड़ी हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा. अब बात करते हैं शूज़ की. जो साड़ी पहनी अगर गर्ल्स ने तो साड़ी के नीचे कैसे शूज़ पहनने चाहिए. तो गर्ल्स के लिए प्रेफर है कि वो साड़ी वियर जो सैंडल होती है, साड़ी वियर जो चप्पल होती है वो पहने, स्पोर्ट शूज ना पहने. अगर गर्ल्स चाहती हैं कि वो कोट एंड पैंट पहने अपने इंटरव्यू वाले दिन, तो वो कोट एंड पैंट जैसे बॉयज को रिकमेंड करा वैसे वो भी पहन सकती है. तो अब आपकी क्लोथिंग हो चुकी है, आप बहुत ही टिप टॉप लग रहे हैं, कोट एंड पैंट पहन रखा है, साड़ी पहन रखी है आपने, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि आप तो इंटरव्यू को फेस कर ही लेंगे. लेकिन अभी भी हमारे पांच स्टेप कंप्लीट नहीं हुए हैं. सेकंड स्टेप अभी भी बाकी है. सेकंड स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, थोड़ा सा ध्यान से समझना. सेकंड स्टेप है हमारा हाउ टू एंटर इनटू द रूम. कि अब रूम के अंदर एंटर कैसे करना है. कुछ बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, रूम को बिना नॉक करे, बिना परमिशन लिए एंटर कर जाते हैं. ये सही तरीका नहीं है. आपको सबसे पहले क्या करना है, टू टाइम नॉक करना है, टक 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 टक. फिर हल्के से एक या दो सेकंड का गैप लेना है, फिर गेट को ओपन करना है. ओपन करने के बाद परमिशन लेनी है कि मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम. जब वो आपको परमिशन देते हैं फिर आपको रूम के अंदर एंटर होना है. अब आप रूम के अंदर एंटर हो चुके हैं. अब आता है हमारा थर्ड स्टेप, सिटिंग स्टाइल. रूम के अंदर एंटर होने से लेके सीट पर बैठने तक की जो जर्नी है बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्नी है. इसी बीच में जो इंटरव्यूअर है वो आपकी जो इमेज है अपनी माइंड में बना लेगा कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप किस तरह के व्यक्ति हैं, इसकी इमेज जो है वो अपने माइंड में बिठा लेगा. तो इस स्टेप को भी निग्लेक्ट नहीं करना, बहुत अच्छे से समझना है. थर्ड स्टेप, सिटिंग स्टाइल. कुछ बच्चे क्या करते हैं, रूम के अंदर एंटर तो तरीके से हो जाते हैं लेकिन एंटर करने के बाद वो बहुत ही स्पीड में चलते हैं, स्पीड में चल के सीधा चेयर पे जाके बैठ जाते हैं. ये सही तरीका नहीं है, ऐसे नहीं करना. आपको क्या करना है कि रूम के अंदर एंटर होने के बाद जेंटल वे में वॉक करना है. इंटरव्यूअर की तरफ नहीं देखना, इंटरव्यूअर की आंखों में आंखें मिला के देख के आपको वॉक नहीं करना. आपको क्या करना है, जेंटल वे में वॉक करना है. जहां आपकी चेयर होगी वहां तक आपको जेंटल वे में, स्पीड में नहीं, बहुत ही स्लो नहीं, जेंटल वे में, मीडियम वे में आपको चल के जाना है. चेयर पे जाके एकदम नहीं बैठना, आपको वहां पे चेयर के बगल में जाके खड़े हो जाना है और ग्रीट करना है सर और मैम को कि गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम. जब वो आपको परमिशन देंगे कि हैव योर सीट, तब आपको चेयर पे बैठना है. अब चेयर पे कैसे बैठना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जब उनको परमिशन दी, यहाँ तक का स्टेप उन्होंने अच्छे से फॉलो करा, लेकिन जब उनको परमिशन दी वो चेयर एकदम से पीछे खींचते हैं, आवाज़ करते हैं और उसके बाद धम से बैठ जाते हैं. ये चीज़ नहीं करनी. आपको क्या करना है,
जेंटल वे में बहुत ही आराम से चेयर को पीछे खींचना है, आवाज ना करने की कोशिश करना है, अगर आवाज होती भी है तो बहुत ही हल्की आवाज करना है, फिर तरीके से बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में सीट पे बैठना है। सीट पे बैठने के बाद अपने कपड़े ठीक करने हैं, कपड़े ठीक करने के बाद गेस्चर देना है कि आप रेडी हैं फॉर द इंटरव्यू, आपको कहना है यस सर, यस मैम। सो अब आता है हमारा फोर्थ स्टेप, आंसरिंग। अब आपने सारे जो थर्ड स्टेप है बहुत ही अच्छे से फॉलो करे हैं, लेकिन आंसरिंग के टाइम आप घबरा जाते हैं, हड़बड़ी में जवाब देते हैं, या फिर तरीके से जवाब नहीं देते, बहुत ही रूड वे में जवाब देते हैं, तो ये भी जो आपका इंटरव्यू है वो रूइन कर देगा, खराब कर देगा, वो नहीं करना। कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि चेयर पे बहुत अच्छे से बैठ गए, अच्छे से बैठने के बाद फिर कभी इधर देखते हैं, फिर कभी उधर देखते हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, नहीं करना ये सब। आपको जेंटल वे में हाथ पे हाथ रख के बैठना है, बैठने के बाद सिर्फ इंटरव्यूअर को देखना है जो क्वेश्चन आपसे करेगा, ठीक है। क्वेश्चन इंटरव्यूअर ने करा आपसे, आपको बहुत ही जेंटल वे में आंसर करना है। सबसे पहला ऑब्वियस क्वेश्चन है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आपको अपने बारे में बहुत ही पेशेंस से, बहुत ही आराम से तरीके से बताना है, बहुत ही स्पीड में नहीं बोलना, बहुत ही धीरे नहीं बोलना, मध्यम वे में बोलना है, ताकि जो इंटरव्यूअर है उसको सुनाई भी दे, उसको समझ भी आए। तो ये तरीका है फॉर द आंसरिंग, इधर उधर नहीं देखना, तरीके से जवाब देना है, घबराना नहीं है, रूड वे में जवाब नहीं देना, पोलाइट वे में जवाब देना है। अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि वो कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ ले जो आपको नहीं आता हो, भाई हम गूगल तो नहीं है कि हमें सब कुछ आता होगा, ऐसा भी हो सकता है कि कोई वो क्वेश्चन पूछे और हमें नहीं आता हो, तो उस मूमेंट में आप क्या करेंगे, तो उस मूमेंट में आपको क्या करना है, आपको जेंटली इस लाइन को याद करना है, सॉरी सर राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द आंसर, बस इतना सा बोलना है, और फिर उसके बाद इंटरव्यूअर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा। तो ये जो लाइन है, सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल योर आंसर, ये आपको याद कर लेनी है, और ऐसे ही तरीके से मतलब कि बहुत ही मध्यम वे में आपको बोलनी है। अब आता है हमारा फिफ्थ स्टेप, ग्रीट एंड गो। अब आपका इंटरव्यू हो चुका है, अब आपका जो इंटरव्यूअर है वो आपसे कहता है ओके बेस्ट ऑफ लक, तो अब आपको क्या करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ही इंटरव्यू खत्म हुआ वो एकदम रिलीफ की सांस लेते हैं कि भाई हो गया। अब ये जो गेस्चर है ये भी बहुत बैड इंप्रेशन डालता है इंटरव्यूअर के माइंड में, क्योंकि अभी भी आप इंटरव्यूअर के सामने बैठे हैं। तो आपको क्या करना है कि जब वो आपसे बोलता है कि ओके थैंक यू सो मच आपका इंटरव्यू हो चुका है, तो आपको क्या करना है कि आपको उसको भी ग्रीट करना है कि थैंक यू सो मच फॉर इंटरव्यूइंग मी सर या इंटरव्यूइंग मी मैम। उसके बाद खड़े होना है, चेयर को वैसे का वैसा नहीं छोड़ना, चेयर को उसकी जगह पे रखना है, तरीके से रखना है, उसके बाद जेंटल वे में वॉक करके रूम के बाहर चले जाना है। तो ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आप अगर फॉलो करते हैं अपने इंटरव्यू वाले दिन, तो जो इंटरव्यूअर के माइंड में आपका इंप्रेशन है बहुत ही अच्छा पड़ेगा, आपका जो स्कोर है बहुत ही अच्छा होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ एंड व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अस, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये आपसे पूछे ही जाएंगे, तो इनको वेल प्रिपेयर एडवांस में कर लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।